दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। बेटी ने पिता को दी दूध में मिलाकर नशीली गोली, फिर प्रेमी के साथ रेत डाला गला। बेंगलुरु में 15 साल की लड़की को उसके पिता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी एच एच कुमार ने बताया कि लड़की ने पिता की हत्या करने के बाद अपने दोस्त की मदद के साथ शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों को जय कुमार जैन के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बहन से छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर बदमाशों ने दो भाइयों को मारा चाकू। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाशों के एक समूह से अपनी बहन को परेशान नहीं करने की बात पर दो भाइयों को कथित तौर पर चाकू मार गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दो पुलिस कर्मियों ने दिखाई बहादुरी, आंखों में मिर्च झोंक लिए जाने पर भी अपराधी को दबोचा। दिल्ली में पुलिस की बहादुरी से एक आरोपी को पकड़ा। बताया जा रहा है कि शाहदरा के विवेक विहार एरिया में शुक्रवार को दोनों पुलिस कर्मियों ने एक तड़ीपार को काबू करने की कोशिश की। आरोपी के भाई का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसी दौरान तड़ी पर आरोपी ने पुलिस कर्मी की आंख में मिर्ची झोंक कर उनकी पकड़ से भागने की कोशिश की। दिल्ली में बड़ा हादसा, चाइनीज मांझे की चपेट में आने से सिविल इंजीनियर की मौत। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 30 साल का मानव शर्मा अपनी दो बहन के साथ घर से स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। मानो जैसे ही रोड पर पहुंचा तभी पतंग उड़ाने वाला मांझा उसकी गर्दन में फंस गया, जिससे उसकी गर्दन में गहरा जख्म हो गया। उसे जल्द ही अस्पताल ले गए तो उसे मृत घोषित किया गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।